नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तर। जहां दुनिया के कई देशों के लिए रूस यूक्रेन युद्ध मुश्किलों का कारण बना, वहीं इस आपदा के बीच भारत को सस्ता तेल खरीदने का अवसर भी मिला। दशकों से भारत के करीबी रहा है रूस और यूक्रेन पर हमले के बाद पैदा हुई विपरीत परिस्थितियों से भी इस संबंध पर कोई असर नहीं पड़ा। पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़े। अमेरिका यूरोप के प्रतिबंधों के बाद रूस ने भारत को सस्ता तेल बेचने की पेशकश की, जिसे भारतीय कंपनियों ने दोनों हाथों से लपक लिया। अब रूस अपने टॉप 10 तेल सप्लायर में शामिल हो गया है। क्या कहते हैं आंकड़े, ये भी जानेंगे और रूस से खरीदे जा रहे तेल में निजी कंपनियों की हिस्सेदारी के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस एपिसोड के साझेदार है कुकू FM ऐप, जो लाए हैं बिज तक के दर्शकों के लिए एक खास ऑफर। कुकू FM ऐप का सब्सक्रिप्शन लेने वाले पहले 500 लोगों को मिलेगा 50% डिस्काउंट। इसके लिए आपको यूज करना है बिज 50 कोड। इस ऐप पर आपको मिलेंगे जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां, ढेर उपन्यास और कई तरह के ऑडियो बुक्स। याद रखे, बिज 50 कोड पहले 500 सब्सक्रिप्शन पर ही उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे रूस से भारत की तेल खरीद पिछले कुछ महीनों में किस तरह से बढ़ी है। दरअसल आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल के बाद से भारत ने रूस से 50 गुना ज्यादा कच्चा तेल खरीदा है। वहीं अब भारत के टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट में रूस की हिस्सेदारी बढ़कर 10% पर पहुंच गई है। बता दें कि भारत अपनी तेल की जरूरतों का 85% हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने से पहले भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी मात्र 0.2% थी, लेकिन रूस अब भारत के टॉप 10 तेल सप्लायर में से एक है। भारत रूस से ऐसे समय में तेल की खरीदारी बढ़ा रहा है जब कई कारणों से ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान पर है। बढ़ी कीमतों के बीच भारत रूस से सस्ते में इसका इंपोर्ट बढ़ा रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं और यह कई महीनों से $100 प्रति बैरल के पार बना हुआ है। हालांकि अमेरिका व उसके सहयोगी देशों के सैंक्शंस के चलते रूस का क्रूड ऑयल सस्ता है। इसका फायदा भारत और चीन जैसे देश उठा रहे हैं। क्रूड ऑयल की बढ़ी इस खरीद के चलते अप्रैल महीने में रूस से भारत का कुल आयात बिल बढ़कर $2.3 बिलियन पर पहुंच गया, जो ठीक एक साल पहले की तुलना में 3.5 गुना है। अधिकारी ने यह भी बताया कि रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदने में निजी क्षेत्र की कंपनियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने कहा कि कुल इंपोर्ट का करीब 40% रिलायंस इंडस्ट्रीज और रोजनेफ्ट बैग्ड नायरा एनर्जी जैसे प्राइवेट रिफाइनर्स खरीद रहे हैं। रूस से भारत की बड़ी खरीदारी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वह अप्रैल महीने में इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बाद क्रूड ऑयल का चौथा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। अब पिछले महीने रूस ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को भी पीछे छोड़ दिया। बता दें, पिछले महीने इराक के बाद रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर रहा। वहीं अगर बात करें तो 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही भारत रूस से ज्यादा क्रूड ऑयल खरीद रहा है। आर्थिक पाबंदियों के बीच भारत ने इस पूरे प्रकरण में खुद को न्यूट्रल रखा है और पश्चिमी देशों के प्रेशर के बाद भी इस मामले पर चुप्पी साधे है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल बिज तक को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।